इस किस्त में आप मुलायजा फरमाएंगे मियां गुलाम नबी कलहोड़ों का मकबरा। तंग गलियों से होते हुए हम यहां पहुंचे हैं। मकबरे का दाखिली दरवाजा ऊंचा जो कि मजबूत लकड़ी से बनाया गया था। दाखिली दरवाजे के ऊपर एक गुंबद भी बनाया गया था। मकबरे के अंदर दोनों अतराफ बागीचा बनाया गया है। मकबरे की ऊंचाई 37.8 इंच है जो कि 5 कोना की शक्ल में है और इसकी बिरूनी दीवार पर नीली ईंटों का काम किया गया है जो कि नामुनासिब देखभाल होने की वजह से जगह जगह से उखड़ चुकी हैं। मजार का रकबा 29.6 इंच पर मुश्तमिल है। मियां गुलाम नबी कलहोड़ों के वालिद का नाम मियां नूर मोहम्मद कलहोड़ो था जिन्होंने सिंध पर 35 साल के करीब हुक्मरानी की थी। इसके बाद 1775 में मियां गुलाम नबी कलहोड़ो ने हुकूमत की जो कि 1776 तक रही, जिसकी वजह 1776 में जंगे लरिया में शहीद कर दिया गया था जो कि उन्होंने मीर बिजार खान से लड़ी थी। बाद अजां इनका मजार उनके छोटे भाई मियां अब्दुल नबी कलहोड़ो ने बनाया था। अगली किस्त में मजीद तारीखी मकामात देखेंगे। मेरे साथ जुड़े रहिएगा।